The world's first nuclear explosion, July 16, 1945. बनाने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग सालों तक इसी प्रोजेक्ट में काम करते रहे। इस एक प्रोजेक्ट में लगभग 2.2 बिलियन डॉलर, मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 2.25 खरब रुपए से भी ज्यादा की लागत आई थी। इसके बावजूद भी इस बम के ब्लास्ट होने के बाद इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई साइंटिस्ट, यहाँ तक कि द फादर ऑफ एटम बम, खुश होने के बजाय नाखुश थे। इस ब्लास्ट को देखकर उनके मुँह से भगवद गीता के अध्याय 11 के 2 श्लोक, श्लोक 12 और श्लोक 32 निकल गया। वर्ल्ड का पहला एटम बम किस देश ने बनाया था? ऐसी क्या जरूरत थी कि सालों की कंसिस्टेंसी और मेहनत के बाद और इतने लार्ज अमाउंट के बावजूद एटम बम जैसे विनाशक बम को बनाया गया? और फिर इतना करने के बाद जब एटम बम बन गया तो इसके बनने के बाद भी सभी नाखुश क्यों थे? या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये सभी डाउट इस एक वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखें। इस पूरी घटना को मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। ये स्टोरी है आज तक के सबसे बड़े तानाशाह, नन अदर देन हिटलर की। और इस स्टोरी की शुरुआत 1933 में होती है, जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पे आया। हिटलर के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि हिटलर के आतंक से लगभग सभी परिचित। हिटलर एक क्रूर तानाशाह जर्मनी का शासक था, जिसने सत्ता पर आते ही जर्मनी में रहने वाले यहूदियों को बुरी तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया। शारीरिक कमजोरी के नाम पर लाखों की मात्रा में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया। आतंक इतना बढ़ चुका था कि 1938 तक जर्मनी में रहने वाले यहूदी ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में भागने लगे, जिनमें कई यहूदी पॉपुलर साइंटिस्ट भी शामिल थे। उसमें उस जमाने के सबसे मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे, जो जर्मनी से भागकर अमेरिका चले गए थे। अब तक दुनिया परमाणु के बारे में काफी सारी चीज जान चुकी थी। 1789 जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन क्लैपरोथ ने यूरेनियम की खोज कर ली। 1932 न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैंडविक ने की। 1938 ऑटो हेन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की। अब तक ये सभी खोज इसलिए हो रहे थे ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके बिजली बना सके। मगर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के बाद जर्मनी ने पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी से परमाणु बम बनाने के लिए कमेटी यूरेनियम क्लब की स्थापना की। ये खबर कि जर्मनी एक ऐसा बम बना रहा है जिसे एक ही बम से कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को तबाह किया जा सकता है, आग की तरह पूरे विश्व में फैल गई। सभी पॉपुलर कंट्री भी बम बनाने में लग गए और इस तरह शुरू हुई परमाणु बम बनाने की रेस। ब्रिटेन को पता था कि हिटलर रूस पर कब्जा करने के बाद हम पर अटैक जरूर करेगा, इसलिए ब्रिटेन और कनाडा ने एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट ट्यूब एलॉयज बनाए, जिसमें दोनों ही कंट्री के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने पर काम कर रहे थे। 1940 में जापान के कुछ बुद्धिजीवियों ने एक परमाणु बम बनाने के लिए कमेटी की गठन की, पर वहां के शासकों ने इस कमेटी को कोई फंडिंग नहीं दिया, इसलिए जापान कभी भी एटम बम नहीं बना सकता। और साथ ही साथ रूस ने भी परमाणु बम बनाने के लिए एक कमेटी बना ली। बट इस समय मोस्ट लीडिंग कंट्री अमेरिका क्या कर रहा? 1940 तक अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, और इसलिए शुरू में अमेरिका ने इन सब चीजों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने भी एक कमेटी बनाई, यूरेनियम कमेटी, पर इसे सिर्फ $6,000 की ही फंडिंग मिली थी। अब तक तो चीजें नॉर्मल ही चल रही थी, पर अब आती है कहानी में ट्विस्ट। जापान ने अमेरिका के एक बहुत बड़े सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पर एक बहुत बड़ा हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया, और अब होती है अमेरिका की एंट्री वर्ल्ड वॉर टू में। बट अमेरिका भी न्यूक्लियर फिजिक्स में जर्मनी से लगभग 3 साल पीछे, और इस कारण पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने परमाणु बम को बनाने को बहुत ही सीरियसली लिया। 13 अगस्त 1942 अमेरिका ने शुरू किया प्रोजेक्ट मैनहट्टन। मैनहट्टन उनके शहर का नाम था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बागडोर लेस्ली ग्रोवेस के हाथों में दी गई, जो एक जनरल थे। लेस्ली ग्रोवेस एक अहंकारी और जिद्दी आदमी था, जो कि किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को पाने के लिए मशहूर था। लेस्ली ग्रोवेस ने हेनरिको फर्मी, लियो सिलार्ड, एडवर्ड टेलर और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे 15 वैज्ञानिकों को चुना और इस प्रोजेक्ट का लीडर रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बनाया, क्योंकि ओपेनहाइमर न्यूक्लियर फिजिक्स में सालों से काम कर रहे थे और वो एक अमेरिकी भी थे। अब इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था शहर से दूर वीरान और शांत जगह, जहां पे वे साइंटिस्ट परमाणु बम पर सही और शांत से काम कर सके। चुना गया लॉस अल्मोस, जो कि एक जंगलों के बीच बिल्कुल ही शांत और वीरान जगह। यहाँ एक साइट बनाई गई, इसे प्रोजेक्ट वाई नाम दिया गया। शुरू में तो 15 लोग ही थे, पर जैसे जैसे साइट बड़ी होती गई, काम बढ़ता गया और बड़ी मात्रा में इस पर लोग काम करने लगे। अब तक इसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे। 2 सितंबर 1942 सालों की मेहनत के बाद हेनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन
की खोज की। इसे न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी बड़ी सफलता मानी गई और अब न्यूक्लियर बम बनना लगभग तय हो चुका था। लियो सिलार्ड ने कहा, यह परीक्षण मानव जाति के इतिहास में एक काले दिन के रूप में साबित होगा। 1943 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर जमकर बमबारी, जिससे ब्रिटेन का प्रोजेक्ट ट्यूब एलॉयज खतरे में पड़ गया। इसलिए ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर 1943 में क्यूबेक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे ट्यूब एलॉयज और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया गया। और इस प्रकार अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा के कई साइंटिस्ट कई देशों के टॉप साइंटिस्ट के साथ मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह टीम कितनी पावरफुल होगी। इस टीम ने फिजन यूरेनियम 235 और नॉन फिजन यूरेनियम 238 की भी खोज की थी। तक ये साथ साथ तीन एटम बम पर काम कर रहे थे, लिटिल बॉय जिसमें यूरेनियम यूज किया गया था, थिन मैन जिसमें प्लूटोनियम यूज किया गया था और फैट मैन जिसमें प्लूटोनियम इम्प्लोजन यूज किया गया। और सालों की मेहनत के बाद जून 1945 में अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बना लिया। और अब वक्त था टेस्टिंग का। इस टेस्ट को ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी नाम दिया। ट्रिनिटी एक धार्मिक शब्द है, इसका मतलब होता है तीन चीजों का ग्रुप, फादर, सन और एक पवित्र आत्मा। इन सब के अनुसार इन्हीं चीजों से मिलकर पूरी सृष्टि बनती है। मतलब ओपेनहाइमर के लिए ये टेस्ट ही सब कुछ था। इस टेस्ट में जिस बम का यूज किया गया था उसका कोड नाम द गैजेट था। यह टेस्ट अमेरिका के अल मैग्नेट रेगिस्तान में करना था। 100 फीट की ऊंची टावर पर इसका परीक्षण किया गया और इस परीक्षण को 9 किलोमीटर की दूरी से सभी साइंटिस्ट देख रहे थे। और अब किया गया एक्सप्लोजन। देखने वाले साइंटिस्ट दंग रह गए। 100 फीट ऊंची टावर थी जिस पर परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, वो 100 फीट लोहे की टावर पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। और जब यह नजारा रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने देखा तो उनके मुंह से हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता के अध्याय 11 के श्लोक 12 और श्लोक 32 निकल गया, जिसमें श्लोक 12 का मतलब होता है, यदि आकाश में हजारों सूर्य भी एक साथ उदय होते हैं तो भी उन सभी का प्रकाश मेरी दिव्य तेजस्वी रूप का सामना नहीं कर सकता। और श्लोक 32 का मतलब है, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, सभी चीजों का नाश करने वाला। क्योंकि ओपेनहाइमर जानते थे कि इस बम से सिर्फ विनाश ही हो सकता है, और हुआ भी। नागासाकी और हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दूर के इलाके में रहने वाले कई लोगों ने कहा कि उस दिन हमने सूरज दो बार उगते हुए देखा, एक बार जब सूरज उगता है सुबह में और दूसरी बार जब परमाणु बम फटा। इस घटना के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार सामने रखे। आइजैक रबी, अमेरिकन वैज्ञानिक, मानव जाति प्रकृति के संतुलन को परेशान करने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। लियो सिलार्ड, ये भी परीक्षण देखने आए थे और देखकर काफी परेशान हो गए, तुरंत ही आपत्ति जताई और राष्ट्रपति ट्यूमैन को एक लेटर लिखा, परमाणु का इस्तेमाल करने से पहले जापान को चेतावनी दी जाए। उन्होंने इस बात का मेंशन किया था, परंतु ये लेटर राष्ट्रपति को कभी नहीं मिला। और फिर इस परमाणु बम का इस्तेमाल जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में किया गया, जिसका असर आज भी है। इस पूरी घटना में हमारे भारत का नामो निशान नहीं है, फिर भी आज भारत एक परमाणु संपन्न देश है। कैसे? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें कि भारत ने परमाणु बम कैसे बनाया। अगर आप में से किसी एक का भी कमेंट आया तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ओनली रिसर्च को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।